ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यह अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 5 जनवरी 2021, ट्यूसडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। निफ्टी ने कल भी नया रिकॉर्ड हाई क्लोज दिया है। तो कल जैसे वैक्सीन की परमिशन की खबर आई थी, उसके मद्देनजर हमें देखने को मिला इंडियन मार्केट्स में तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ ही समय पहले यूके में वहाँ के पीएम ने फिर से एक बार नया लॉकडाउन वहाँ पर कर दिया है, जो कि फेब्रुवरी मिड तक चलेगा। तो ये नया कोरोना वायरस का ये जो केसेस आ रहे हैं, उसका टेंशन भी यूरोप में काफ़ी देर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है आज एक ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिले, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के अगर हालात देखें तो कल नासडैक भी 189 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूएस और ईरान के बीच में भी कुछ टेंशन्स देखने को मिल रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कल हरे निशान में बंद हुए थे, जैसे कि इंडियन मार्केट्स बंद हुए 3:30 बजे, और उसके बाद यूरोपियन मार्केट्स रात को 9 बजे हरे निशान में बंद हुए थे। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी 83 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और लगभग बाकी के भी जो मोस्टली मेजर एशियाई बाजार है वहाँ पर भी लाल निशान में कारोबार होते हुए नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो रिकवरी दिखा रहा है, जो कल का फॉल आया था उसके बाद 59 पॉइंट यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, जो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखा जाए। सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 4 जनवरी आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ये जो ब्रेकआउट लेवल बन रहा था, ये ऑलमोस्ट 14,078 के पास बन रहा था, और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,017 के पास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही ओपन हुआ, और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट सेकेंड टारगेट के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया 14,105, जहाँ पर R3 का भी पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा था। यहाँ से जो इसने फॉल दिखाया, एक जबरदस्त रोलर कोस्टर जैसा राइड कल हमें देखने को मिला। जैसे ही ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 14,001, सेकेंड टारगेट 13,983 अचीव हुआ। ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास इसने बाउंस बैक किया, क्लोज नहीं हो पाया इस लेवल के नीचे। यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडल स्टिक बना और यहाँ से तेजी से ऊपर की तरफ बाउंस बैक हुआ। और ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 14,092, सेकेंड टारगेट 14,105 अचीव हुआ, और काफ़ी तेजी देखने को मिली इंडियन मार्केट्स में। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात, निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। डेली चार्ट से शुरू करते हैं। कल हमने जो रोलर कोस्टर राइड देखा था, जो निफ्टी ने बॉटम लगाया और उसके बाद फिर से सडनली जंप हुआ, बाउंस बैक हुआ, और ओपन हुआ था जस्ट उसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ। तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। हैंगिंग मैन जैसे कि हमने देखा है कि अपसाइड में जब भी ऊपर का टॉप बनता है तभी ये आता है, और ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, जैसे कि हमने हमारे स्टडी प्रोग्राम में देखा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। तो ये जब भी अप ट्रेंड में आता है तभी यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का चांस होता है, प्रॉबेबिलिटी होती है। ये सिर्फ सिग्नल है, कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर एक ऐसा रेड कैंडल बनाना होगा, और ये जो लो है उसको कंफर्टेबली अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन होगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये सिर्फ यहाँ पर सिग्नल दिखा रहा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ सिग्नल है। पास्ट में भी ऐसे हैंगिंग मैन बने थे कुछ दिनों पहले, लेकिन सिग्नल था सिर्फ, कन्फर्मेशन नहीं बना था। निफ्टी काफ़ी बुलिश था तो ऊपर की तरफ ही निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा था,
तो हमें वेट करना चाहिए जब तक ये लो ना ब्रेक करे, तब तक यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी। तो 14,114 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस था आफ्टर 76.4%। तो यहाँ पर हो सकता है निफ्टी इंडेक्स एक रेजिस्टेंस ले, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ स्विंग हाई को ब्रेक करके और तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल रेजिस्टेंस के पास निफ्टी इंडेक्स पहुँच चुका है। ग्लोबल मार्केट्स भी देखें तो थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर हमने जो आर्ली चार्ट में स्विंग हाई लो मिल रहा है उसको पकड़ के हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, ये और ये स्विंग लो। तो आप देख सकते हैं कल 76.4% का लेवल अचीव हुआ, जस्ट इसके नीचे आके ये क्लोज हुआ था। जैसे आइडेंटिफाई किया था 61.8% का लेवल, यहाँ पर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट इसी के आसपास ये ओपन हुआ था। 50% का एक दिन पहले ही लेवल अचीव हुआ था, तो काफ़ी ये प्रोबेबिलिटीज जो है आने वाले लेवल्स की फिबोनाची एक्सटेंशन थ्रू हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए ब्रेकआउट अगर देखें तो कल का जो हाई बन रहा है यानी ऑलमोस्ट 14,148 के पास, उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,168, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 14,186, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर निफ्टी टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो प्रीवियस कैंडल है आर्ली चार्ट में उसको अगर देखें तो ये भी एक ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा बना हुआ है, जहाँ पर निफ्टी ने पूरा ये नीचे तक आ गया था, फिर से जंप अप करके ऊपर जहाँ ओपन हुआ था वहाँ पर क्लोज किया, यानी यहाँ से एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा है निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के आसपास। तो पिवट पॉइंट के नीचे, पिवट पॉइंट का फर्स्ट सपोर्ट है, उसके बाद ये जो बॉटम बना है उसका लो अगर ब्रेक करता है यानी 14,067 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 14,053, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये जो 20 EMA का पिंक लाइन है यानी 14,039 के अराउंड अभी ये इस समय चल रहा है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।